मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने आम जनता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो जनता कर्फ्यू में कतई घर से बाहर ना निकले। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए सरकारी अस्पताल सहित कोविड सेंटर का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री कमल पटेल बुधवार की शाम बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गेहूं उपार्जन और मंडी समिति के कर्मचारी लगातार कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान कोई भी कर्मचारी कोरोना की चपेट में आता है तो सरकार की ओर से राहत राशि दी जाएगी। वहीं उन्होंने एक बार फिर हाथ जोड़कर आम जनता से घर में रहने की अपील की। देखिए, अभी सौगात तो क्या, हमारा तो इस समय सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी महामारी है कोरोना। इसको नियंत्रित करना और इसको पूरी तरह खत्म करना है, इसकी चेन को तोड़ना है। और इसलिए सब नागरिक बंधुओं से बैतूल जिले के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब घर में रहें, क्योंकि घर के अंदर कोरोना नहीं आता है। कोरोना आता है बाजार में जाओगे, गली मोहल्ले में घूमोगे, भीड़ लगाओगे, इकट्ठे होगे, मिलोगे तो कोरोना होगा। और इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि घर के अंदर 15 दिन तो घर में रहें, 15 दिन बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले, 15 दिन के लिए पूरी सख्ती कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू एक तरफ से आपातकाल जैसी स्थिति, जनता को सुरक्षित रखने के लिए, रिश्तेन को तोड़ने के लिए। दूसरा, जो 1866 लोग अभी पॉजिटिव हैं, कोरोना संक्रमित हैं, उनका ठीक से उपचार हो जाए और वो ठीक होकर घर चल जाए और नया कोई भी केस ना आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है, मीडिया का सहयोग और प्रशासन सख्ती से उसको पालन कराएं, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है और इसमें हमको सहयोग मिल रहा है और इसीलिए ये पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। 51% से हम आ गए, 26% से धीरे धीरे हम जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर इसको 0 पे ले आए। तो एक बार चेन टूट गई तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो हम कितनी भी व्यवस्था कर लें चिकित्सकों की और चिकित्सालय सुविधाएं दे दें, आज 4 हैं, मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएंगे, 40 से 400 हो जाएंगे, 400 से 4000 हो जाएंगे, 4000 से 40000 हो जाएंगे, 40000 से 40 लाख हो जाएंगे। और इसलिए एक ही निवेदन है कि घर के अंदर रहें 15 दिन, पूरी तरह से इसका पालन करें नियमों का, और जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मैं निर्देश देकर जा रहा हूँ, यही हम इसके ऊपर नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन नियंत्रण तभी होगा जब जनता सहयोग करेगी और इसलिए हमने जनता कर्फ्यू सख्ती से उसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं। और एक ये जो लगातार बढ़ती कोरोना की संक्रमण है उसको रोकने के लिए, इसकी चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि 15 दिन हम घर के अंदर ही रहें, गांव के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। बहुत अति आवश्यक कार्य आने पर इसलिए हमने सब्जी और मेडिकल स्टोर के अलावा सारी दुकानें बंद की हैं। सब्जियों की दुकान भी घर घर जाकर एक व्यवस्था की, जिसमें कि एक ही व्यक्ति जाकर दे के आए, किराने का सामान भी गांव की जो टीम है वो लेके जाए और घर घर सप्लाई करके दें, ताकि इस कोरोना के चेन को हम तोड़ सकें। अच्छी व्यवस्था की, इसलिए मैं जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूँ। हमारी पैरामेडिकल टीम, हमारे चिकित्सक, हमारे समाजसेवी और मीडिया और सब लोग मिलकर जो इस सेवा में लगे हुए हैं, इस पर महामारी पर एक महासंकट है, इससे विजय प्राप्त करने के लिए और इस कोरोना को ख़त्म करने में लगे, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। भैया, अभी जो मंत्री जी आए थे उनने जायजा लिया और हालचाल पूछा, जिसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, माननीय मंत्री जी चूँकि हमारे जिले के कोरोना को लेकर प्रभारी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना फर्ज समझकर जो मरीज़ है उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पहुँचे और अस्पताल की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बारीकी से आए थे। और सभी कोविड वार्ड में वो सभी लगभग मरीज लोगों के पास गए, उनके हालचाल को जाना, उनकी समस्याओं को जाना और उसको दुरुस्त और चुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए, डॉक्टरों को भी निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते। डॉक्टर ने भी यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं से उनको अवगत कराया। भैया, अभी सरकार आपकी चल रही है तो सरकार की तरफ से कुछ मदद हो रही है? हाँ, ये पूरा सरकार की तरफ से ही तो हो रहा है जो हो रहा है। जैसे बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे, सरकार ने उपलब्ध कराया है, वो सारी व्यवस्था है। असल में पहले ही इस प्रकार की महामारी का एकाएक मालूम नहीं था, पर चूँकि जैसे जैसे महामारी बढ़ती गई वैसे वैसे व्यवस्था बनते गई और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ अब बना चुके हैं और बहुत जल्दी अपने ज़िले ने इस कार्य को पूरा किया है और निश्चित रूप से अच्छा इलाज मिलने लगा। रानी जी, आपके हमको पता लगा है कि आपके भाई भी एडमिट है,
तो उनका इलाज वगैरह? हाँ, उनका इलाज भी बढ़िया चल रहा है और पहले से बेहतर है। मतलब स्टाफ पूरा सपोर्ट कर रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा के कोरोना से लड़ रहा है? सब लोग, डॉक्टर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद भैया। हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी कर्मचारियों की कोरोना से निधन होने पर परिजनों को 25-25 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।